हाई एवरी मेरा नाम है सीपा वेलकम टू एन अकेडमी सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी जैसा कि आप जानते हैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए हमारा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डन करके आ चुके हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ हमने ऑलरेडी जेनेटिक सेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी पूरी इकोलॉजी पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी यानी कि जो पहला चैप्टर इलेवेंथ का पहला यूनिट है एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये सारी चीज़ें हम डन करके आ चुके हैं एंड अब उस चीज का इंतजार है जो आपको डिफिकल्ट लगती है देखो मैंने हमेशा से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं डिफिकल्ट चीज पहले कराऊंगी ताकि तुम्हें बाद में टेंशन ना रहे और एक कॉन्फिडेंस बना रहे अपने आप पे तो डिफिकल्ट क्या लगता था तुमको जेनेटिक्स सबसे पहले कराई फिर बायोटेक्नोलॉजी फिर इकोलॉजी फिर बेटा जी तुमने बोला डायवर्सिटी के सारे चैप्टर्स करा दो वन शॉट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम एक एक लाइन एनसीआरटी को तुमको याद करा है अब समय आया है तुम्हारी लास्ट डिफिकल्टी जो बची है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी मैं चाहती तो अभी रिप्रोडक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी करा सकती थी बट आई नो कि तुम इसमें अटकते हो तो मेरा धर्म बनता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें यही कंप्लीट कराऊं तो यस फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग करने वाले हैं वन शॉट में करेंगे हर चैप्टर को एक दिन में पूरा नहीं कराऊंगी मुझे पता है कि तुम्हारी एक लिमिट है तुमको केमिस्ट्री भी करनी है प्रैक्टिस भी करनी है फिजिक्स भी करनी है रिविजन uh, भी करना बाकी चीजों का तो आई विल जस्ट टेक वन चैप्टर वन डे बट हम इस तरीके से करेंगे कि NCRT की एक लाइन तुमको लर्न हो जाएगी और सीप मैम के फेमस नोट्स तो तुम्हें पता ही है उससे बाहर पेपर आता नहीं है बस तुम्हें आके वो समझना है तो कल की क्लास क्या होने वाली है तो बोर वी आर गोइंग टू मीट फॉर द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो सबसे बड़ा है बाकी सब तो छोटे छोटे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स उससे अगले दिन हम लोग करने वाले हैं उसके अगले दिन बेटा जी हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स

उतनी ही ज्यादा बेटा जी मेरे में भी एनर्जी होगी आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट सो दैट आपके बेस्ट नोट्स बन पाए आपको बेस्ट क्रिस्प चीज मिल पाए कम समय में मिल पाए ठीक है जी तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है नीचे मैंने तीनों सेशन का लिंक पिन किया है सब बच्चे इंडिविजुअल सेशन में जाके लाइक क्लिक कर दें कल हम मिलने वाले हैं चार बजे एंड चार बजे फोटोसिंथेसिस को पूरा निपटा देंगे सो इफ यू आर एक्साइटेड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स साथ में इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखना है वीकेंड तक क्योंकि वीकेंड पर होने वाला है बहुत बड़ा फेस्ट बहुत बड़ा इवेंट आरंभ इवेंट 2024 के लिए 2020 आरंभ 2024 2024 5 फाइव और सिक्स वाले बच्चों के लिए सबके लिए इस इवेंट में बेटा आपको मौका मिलेगा बहुत सारे अपने टॉपर्स से मिलने का नीट के टॉपर्स जेई के टॉपर्स वो अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे उनसे बहुत कुछ सीखोगे साथ में बेटा आपको मौका मिलेगा बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी मिलने का जैसे यू विल सी कार्तिक आर्यन विल सी करण जोहर विल सी अनुपम मित्तल तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है संडे को दोपहर को एक से तीन बजे तक तो इवेंट भी मस्ट अटेंड करना है उससे पहले जरा प्लांट फिजियोलॉजी पूरी कर लेंगे प्लांट फिजियो को सब बच्चे लाइक करें एंड कॉमेंट में जरूर बताएं कि यस मैम हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं देखो सबके बस सबके बस की बात नहीं है प्लांट फिजियो करना ये सच में एक चैलेंज है तुमने तीनों लेक्चर अगर लगा लिए भी सॉल्व कर ली इट यू विल बी डन टिल ऑफ ये मेरा प्रॉमिस है कि तुम्हें ऑफ तक इसको दोबारा इतनी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हर चीज तुमको कराने वाली हूँ इस क्लास में ठीक है जी तो चैलेंज एक्सेप्टेड है कि नहीं है वो लिख कर जाना कॉमेंट करेंगे यस और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हमने एक्सेप्ट किया है हम तीनों दिन इस क्लास को लगाने वाले हैं एंड लाइक करके अपना अटेंडेंस मार्क करते रहो वहां पर ठीक है थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं कल की क्लास में बाय बाय